बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? सब ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का शुक्र है परवरदिगार का। और जी आज की वीडियो देखिएगा, मेरे ब्लॉग में क्या क्या है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो फिर चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और देखिएगा मेरी वीडियो, ठीक है जी, पसंद आएगी आपको। तो जी बहुत सी मेरी जो बहनें हैं वो कहती हैं कि जी हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं और बिल्कुल भी सही नहीं हो रहे हमारे बाल, तो आप भी कुछ ऐसा बताएं कि हमारे बाल ना अच्छे भी हो जाएं, खूबसूरत भी हो जाएं, घने भी हो जाएं और ब्लैक भी जो बाल है ना वो भी आ जाएं, ठीक है, और गिरने से भी रुक जाएं हमारे बाल, ठीक है जी। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी जो ना रेमेडी जो आपके बाल जो ना लंबे भी करेगी, खूबसूरत भी करेगी। आपको पता है मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं माशाल्लाह से, ठीक है जी। तो बस क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये है जी मेथी दाना, ठीक है, मेथी दाना है ये। और ये आपने क्या करना है कि सुबह के टाइम पे आपने 2 चम्मच जो ना ये ले लेना है, ठीक है। ये जैसे मैंने ले लिया, ये भी मैं बना के रखूँगी अपने बालों के लिए भी। मुझे ना ये ना मैं कब से करती भी आ रही हूँ, ये मेरी अम्मी के ज़माने से ही, मेरी ना वालदा थी ना तो वो बताया करती थी हमें चीज़ें, ठीक है जी। तो उन्हीं की तरफ से जो ना हर चीज़ मुझे ना उन्हीं की तरफ से मिली हुई है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं जो उनसे सीखा हुआ है ना वही अपने बालों पे लगाती हूँ, अपने बच्चों के बालों पे भी लगाती हूँ, ठीक है। मेरे बाल आज तक जो है ना ख़राब नहीं हुए और लंबे से लंबे होते जाते हैं, लेकिन मैं जितनी भी कटिंग करूँ ना और वो फिर बढ़ जाते हैं माशाल्लाह से, मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, ठीक है जी। तो बस कहने का मकसद ये है कि अपने बालों की हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जी मेथी दाना, ये आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। और ले करके ना इसको अंदर ना इसको ना पूरा इतना इतना भर दीजिएगा इसको पानी से, ठीक है, आपने भर दिया। और एक रात पूरा रखिएगा आप इसको, सही है, एक रात रखेंगे ना तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा इसका जो पानी ना किसी बोतल में डाल दीजिएगा, जब वो डाल देंगे तो फिर ना अपने बालों में ना आप ना लगा लीजिएगा उसको, 2 घंटे अपने बालों में जड़ों में लगाइएगा, ठीक है। जड़ों में जब लगाएंगे तो ये जो होगा ना ये मेथी दाना ये ना फूल के ना मोटा हो जाता है, फिर इसको भी पीस लीजिएगा। जब ये पीस लेंगे ना तो दूसरे दिन जो है ना आपने ना जो जड़ों में ना ये ना पीस के ना लगाना है, ठीक है, जड़ों में लगाइएगा। और फिर आप देखिएगा कि ना हफ्ते में 3 बार लगाएं इसको, ठीक है जी। और जो ना मैं जो भी वीडियो होती है वो आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात होती है, और मैं हमेशा से जो ना आपके लिए जो वीडियो बनाती हूँ वो बिल्कुल फ़ायदे वाली बनाती हूँ, ऐसे तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, इस तरह से आप लोगों को पता ही है। ये जो मेथी दाना होता है ये मेरे घर में हर वक्त ही होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ले कर रख लेती हूँ कि ना ये अच्छा होता है मेथी दाना, बहुत अच्छा है ये। एक तो आपके ना क्या कहते हैं उसको, बाल अच्छे करेगा ये माशाल्लाह से, घने करेगा, खूबसूरत करेगा, ब्लैक करेगा, और जो नहीं घने घने और जो गिर रहे हैं ना आपके बाल ये भी जो ना गिरना ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल से, ठीक है जी। तो इसका रिजल्ट जो ना 1 हफ्ते में आपको मिल जाएगा, ठीक है, घने भी हो जाएंगे बाल, हसीन भी हो जाएंगे। मैं तो डाई शाई भी करती हूँ ना, लेकिन मैं डाई ना करवाती नहीं हूँ, मैं घर में खुद करती हूँ अपने डाई, ठीक है जी। तो बस इस तरह से कहने का मकसद ये है कि ये इस्तेमाल करें और फिर अपने बाल देखिए कितने हसीन हो जाएंगे सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है जी। और जो भी मेरी वीडियो होती है वो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ और जो ना आप लोगों को पसंद भी आती है, तो ठीक है जी। फिर ना मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआ में याद रखे, खाए पिए मौज करेंगे यही ज़िंदगी, ठीक है जी। तो बस मैं लेकर आई आपके लिए एक ऐसी रेमेडी जो आपको जो ना फ़ायदा ही फ़ायदा देगी, ठीक है जी। तो इसे खाने से जो ना आपको, आप इसको खा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लगाने का ही होता है, ये खा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपका दिल करे तो इसको खा लीजिएगा और लगा भी लीजिएगा, ठीक है। खाने में इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि खाने से जो ना क्या होगा कि ना आपके बाल ना और प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो ये खा भी लेती हूँ, क्योंकि ना ये जब मोटा हो जाता है ना तो इसको खाया भी जाता है, ठीक है जी। 1 चम्मच भरे और खा लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो लगा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है जी। लेकिन ये कि फिर आपका जायका जो होगा ना वो सही नहीं होगा, तो आप जो ना बेहतर यही होगा खा के भी देख लीजिएगा, अगर खा सकते तो खा लीजिएगा। और मैं तो जी खाती भी हूँ लगाती भी हूँ, ठीक है जी, मैं दोनों काम करती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत है ना, तो मुझे तो कोई वो नहीं होता, ठीक है जी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर जो ना लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी। और जो नए हैं मेरे चैनल पर उनसे भी गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है जी। तो बस अभी जो ना मैं चलती हूँ और फिर कल मिलते हैं इंशाअल्लाह, देखते हैं फिर क्या मैं लेकर आती हूँ वीडियो आपके लिए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आप लोगों को आए होंगे पसंद आएगी, तो पसंद आए तो लाइक लाजमी क्या करें, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए, खाएं पिए मौज करें, फिर यही है ज़िंदगी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।